टू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्योंकि ये क्वेश्चन सेम था इसीलिए मैंने बाकी के पार्ट्स नहीं किए, कि बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करें। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन व्हेन वी आर इन क्लास इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3C है, जिसमें हमारे पास एक सेट यूनिवर्सल गिवन है दैट इज एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, और एक सेट ए गिवन है दैट इज एल एम एन एन, और बी हमारे पास है पी क्यू आर। अब पहले हम चेक करेंगे कि आइदर ये सेट डिसजॉइंट है या ओवरलैप है, वो हम ए इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी किया हमें रिजल्टेंट में, क्योंकि ए और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसलिए हमें एम्प्टी सेट मिल रहा है जो कि शो कर रहा है ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने ऑपरेशंस की जानब। सबसे पहले हमने किया यूनियन का, ए यूनियन बी हमने देखा, ए यूनियन बी हमने ए यूनियन बी यहाँ पे किया। सबसे पहले ए के एलिमेंट्स, यूनियन बी के एलिमेंट्स, तो यूनियन में क्योंकि एलिमेंट्स कंबाइन फॉर्म में लिखे जाते हैं इसीलिए हमने एल एम एन पी क्यू आर। अब रिजल्टेंट में हमें जो मिल रहा है दैट इज एल एम एन एन पी क्यू आर बोथ द एलिमेंट्स ऑफ ए एन बी, इसीलिए जो रीजन शेड किया जाएगा वो ए और बी का होल रीजन शेड कर दिया जाएगा, क्योंकि डिसजॉइंट है इसीलिए वो ए और बी जो है वो सेपरेट है। और नीचे मैंने की दिया कि ए यूनियन बी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइंस के। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर इंटरसेक्शन दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, अगेन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स को, तो दोनों सेपरेट एलिमेंट लिखे जाएंगे इसीलिए जब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, एल एम एन इंटरसेक्शन बी क्यू आर, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसीलिए रिजल्टेंट में हमें एम्प्टी सेट और फाइव मिल रहा है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एज इट इज रहेगी। यहाँ पे कोई भी रीजन शेड नहीं किया जाएगा क्योंकि रिजल्ट हमें एम्प्टी सेट मिल रहा है। यहाँ पे मैंने की दी है कि ए इंटरसेक्शन बी इज एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है जी ए माइनस बी, जब हम डिफरेंस करते हैं फॉर ए माइनस बी, तो ए माइनस बी एल एम एन माइनस पी क्यू आर, तो a माइनस बी अगेन मैं बताता चलूं कि a माइनस बी जब हम करते हैं तो द एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि a के सारे एलिमेंट्स जो है वो b में नहीं है इसीलिए यहाँ पे एल एम एन लिखा जा रहा है, और जो शेड किया जाएगा दैट इज a होल सेट यहाँ पे शेड कर दिया जाएगा, और जितने